तो हाल फिलहाल में आईपीएल तो अपने फुल ऑन मोड में है, मगर इसी बीच थोड़ा हटकर यदि बात करें और बात करें कुछ इंजरी अपडेट की, तो यहां पर अभी इंडियन क्रिकेट टीम के दो प्लेयर यानी श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की ताजा तरीन इंजरी अपडेट देखने को मिल रही है। और स्पेशल तौर पर देखा जाए तो यह अपडेट देखने को मिल रही है WTC फाइनल एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि अब आईपीएल 2023 के बाद यानी कि पहले WTC फाइनल, उसके बाद सितंबर 2023 में एशिया कप होना है और उसके बाद देखें तो अक्टूबर 5 से इसी साल वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह दोनों ही प्लेयर्स के एशिया कप और वर्ल्ड कप को खेलने को लेकर लगातार संदेह बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, और बात सबसे पहले श्रेयस अय्यर की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि BCCI श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर अभी फिलहाल कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं है, जिस वजह से श्रेयस अय्यर को नेक्स्ट वीक तक इंग्लैंड के लिए रवाना किया जा रहा है, जहां पर श्रेयस अय्यर अपनी बैक की सर्जरी करवाएंगे और उनको रिकवर होने में करीब 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। और इस वजह से हाल ही की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर के अब होने वाले 4 और बड़े टूर्नामेंट से रूल्ड आउट होने के चांसेस बन रहे हैं, जिसमें कि वह आईपीएल 2023 से तो पहले ही रूल्ड आउट चल रहे हैं और इसके बाद होने वाले टूर्नामेंट जैसे WTC फाइनल, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ODI सीरीज, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज और एशिया कप 2023 और इसके बाद शायद वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो सकते हैं। सो ये तो बात हुई श्रेयस अय्यर की इंजरी अपडेट की, और अब बात जसप्रीत बुमराह की जाए तो बुमराह भी आईपीएल 2023 से पहले ही रूल्ड आउट चल रहे हैं, और अब बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह भी WTC फाइनल और एशिया कप तक शायद वापसी ना कर पाए। हालांकि अब देखा जाए तो बुमराह की बैक सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और इसके बाद BCCI अब बुमराह के वर्ल्ड कप में वापसी को लेकर प्लान तैयार कर रही है, जिसमें कि सर्जरी के 6 सप्ताह के बाद बुमराह को अपना रिहैब करने की सलाह दी गई थी, और इस वजह से बुमराह ने अब NCA में 14 अप्रैल से रिहैब मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। अब हालांकि बुमराह नेट तक कब वापसी करेंगे इस पर तो अभी तक BCCI की ओर से कोई अपडेट देखने को नहीं मिली, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बुमराह को पूरी तरह से फिट होने में अभी भी एटलीस्ट 6 मंथ का समय लग सकता है। सो दोस्तों, ये थी श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, बट मिलते हैं आपको जल्दी एक और नई वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।